बेस्ट टाइम होता है वो विद इन 1 आवर ऑफ डिलीवरी होता है, ठीक है, विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ होता है, ठीक है। और क्योंकि बेबी उस टाइम मोर एक्टिव होता है तो वो ब्रेस्ट को सक करने में अच्छे से ब्रेस्ट को सक कर सकता है, इसलिए वो ये बेस्ट टाइम होता है 1 आवर का ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है कि बेबी को जब ब्रेस्ट फीडिंग दी जाती है 6 मंथ का टाइम होता है, इसमें 6 मंथ तक बेबी को ओनली ब्रेस्ट फीडिंग ही दिया जाता है, इसके अलावा कोई और जो फीड नहीं दिया जाता, सप्लीमेंट फीड उसको नहीं दिया जाता है, जैसे कि वाटर, टी, जूस या फिर कुछ कोई भी हर्बल प्रोडक्ट, जैसे कोई भी उसको अननेसेसरी कोई और नहीं दिया जाता, ओनली फॉर ब्रेस्ट मिल्क पे ही उसको रखा जाता है उसके 6 मंथ ऑफ एज तक, ठीक है। क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो सफिशियंट क्वालिटी में और जो न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट्स होते हैं उसमें वो सफिशियंट अमाउंट में होते हैं जो कि बेबी की नीड को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और बेबी ब्रेस्ट मिल्क की जो डिमांड होती है वो 2 ईयर की एज तक भी हो सकती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग को 2 ईयर तक भी कंटिन्यू रखा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है कोल्ड स्टोन। कोल्ड स्टोन क्या होता है कि डिलीवरी के बाद में फर्स्ट 2 दिन तक जो ब्रेस्ट से जो भी एनाटॉमिकल चेंजेस नहीं होते हैं, तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि ब्रेस्ट में जो जो सिक्रेशन होता है, फर्स्ट सिक्रेशन होता है ब्रेस्ट से, वो कोलेस्ट्रम उसको बोलते हैं, ठीक है। जो देखते हैं कंपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रम, तो कोलेस्ट्रम में क्या क्या होता है, तो ये येलो सीरस फ्लूड होता है जो कि रिएक्शन में एल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है। जो कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो हाई होती है और ब्रेस्ट मिल्क की तुलना में इसमें प्रोटीन और विटामिन ए, सोडियम तथा क्लोराइड ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क की तुलना में ये इसमें ज़्यादा होते हैं, बट कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड पोटेशियम जो होता है वो कम होता है, ठीक है। और इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब प्रोटीन इसमें कितना होता है, प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल में होता है 8.6 ग्राम, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क में होता है 1.2 ग्राम, ठीक है। और फैट जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल में होता है 2.3 ग्राम और ब्रेस्ट मिल्क में होता है 3.2 ग्राम, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट होता है 3.2 ग्राम एंड ब्रेस्ट मिल्क में कार्बोहाइड्रेट होता है 7.5 ग्राम, ठीक है। वाटर कोलेस्ट्रॉल में होता है 86% ml एंड ब्रेस्ट मिल्क में होता है 87% ml, ठीक है। इसके बाद में एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग से क्या होता है कि जो न्यूनेट और जो मदर है उसमें क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, जिसकी वजह से मदर और चाइल्ड में सेटिस्फेक्शन मिलता है उनको, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मदर और चाइल्ड में इमोशनल बॉन्ड डेवलप होता है, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग में इफेक्टिव टेम्परेचर होता है, ठीक है, और स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है ह्यूमन बीइंग, और ये फ्रेश और कंटामिनेटेड नहीं होता, फ्रेश होता है, कंटामिनेटेड नहीं होता, क्योंकि डायरेक्टली बच्चे के मुंह में
करना, ठीक है। और ब्रेस्ट को केयरफुली एग्जामिनेशन करना चाहिए, कोई क्रैक ब्रेस्ट नहीं हो, क्रैक निप्पल नहीं हो, ठीक है, या फिर डिप्रेस्ड निप्पल नहीं हो, अगर ऐसा है तो उसके लिए भी एडिक्वेट ट्रीटमेंट करना चाहिए। और ब्रेस्ट की नॉर्मल कॉन्टूर जो स्ट्रक्चर होती है ब्रेस्ट की, वो टोन होती है, उसको मेंटेन करने के लिए प्रॉपर ब्रेस्टरीज का यूज करना चाहिए, ये सब वुमेन को एडवाइस देंगे। और मदर को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन उसको लेना चाहिए। और ब्रेस्ट फीडिंग में जो मदर है उसको काउंसलिंग करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि जो मिल्क का प्रोडक्शन ब्रेस्ट की साइज पे डिपेंड नहीं करता है। और मदर को कोलेस्ट्रॉल और ब्रेस्ट मिल्क के क्या क्या इफेक्ट है फीटस पे, क्या क्या ये जो अच्छी चीज़ें जो हो सकती हैं फीटस में ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, वो मदर को समझाए, ठीक है। उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ फीडिंग, ड्यूरेशन ऑफ फीडिंग, ड्यूरेशन में जो फर्स्ट फीड होता है वो मदर बेबी या मदर में एनाटॉमिकल या मेडिकली डिसऑर्डर की एब्सेंस में बेबी में नॉर्मल डिलीवरी के आधे से एक घंटे के बाद में हम ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। और सिजेरियन सेक्शन के 3-4 घंटे के बाद में हम ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट फीडिंग में हर ब्रेस्ट से 5 से 10 मिनट तक फीड करवाना चाहिए, जिससे कि लेट डाउन रिफ्लेक्स जो होता है वो भी बढ़ता है, ठीक है। और एवरी ब्रेस्ट में वो कंप्लीट एम्प्टी होने तक फीडिंग करवाते रहना चाहिए, ठीक है, जिससे कि बेबी को जो फोर मिल्क और हिंड मिल्क दोनों है, मतलब जो स्टार्टिंग का मिल्क है और जो बाद का मिल्क है, वो दोनों मिल सके बच्चे को, ठीक है। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग में इसका पहला है टाइम शेड्यूल। तो टाइम शेड्यूल में फर्स्ट 24 आवर्स में मदर और बेबी को 2-3 आवर्स के इंटरवल में फीडिंग करवानी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में धीरे धीरे रेगुलरिटी जो मेंटेन हो जाएगी, उसके बाद में फर्स्ट वीक के एंड तक 2-4 आवर्स के इंटरवल में फीडिंग करवानी चाहिए। और उसके बाद में डिमांड, सेकेंड होता है डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड ऑफ फीडिंग। तो जो बच्चा जब भी डिमांड करे उसके अकॉर्डिंग हम फीडिंग करवाएं मदर, ठीक है, तो उसमें कोई भी टाइम ड्यूरेशन रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। और नाइट फीडिंग अगर नेसेसरी है बच्चे को तो नाइट में भी फीडिंग करवानी चाहिए, स्टार्टिंग में तो करवानी ही चाहिए ताकि बच्चे को अच्छी नींद आ सके। और अमाउंट ऑफ फीड कितना होता है, थर्ड डे पर बेबी की एवरेज मिल्क रिक्वायरमेंट 100 ml पर kg पर 24 आवर्स होती है, ठीक है, जो कि डिलीवरी के 10वें दिन बाद में 150 ml पर kg पर 24 आवर्स बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद में टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, तो टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में जब मदर की खुद की सेल्फ उसकी इच्छा होनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग करवाने की, जिससे कि वो सक्सेसफुल लैक्टेशन करवा सके, ठीक है। तो मदर को साइकोलॉजिकली रूप से फीडिंग करवाने के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीटोसिन के सिचुएशन पर भी इफेक्ट डालता है, ठीक है। और फीडिंग करवाने से पहले मदर को मिल्क जूस या वाटर एडिक्वेट उसको देना चाहिए। और फीडिंग करवाने से पहले मदर को अपने हैंड वॉश कर लेने चाहिए, मदर को कंफर्टेबल पोजिशन लेनी चाहिए, ठीक है, और बैक के सपोर्ट के साथ में वो बैठ सकती है, ठीक है, और बेबी को गोद में लिटाना चाहिए, ठीक है। और ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से पहले मदर को यह चेक करना चाहिए कि बेबी के क्लोथ खराब तो नहीं हो रही होंगे, तो ऐसा उसको क्लीन करके ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, ठीक है। बेबी की क्लोथ को क्लीन करने के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, ठीक है। और यदि मदर बैठने में, मतलब मदर बैठ नहीं सकती है, कैपेबल नहीं है वो बैठने में, तो उसको लिटा कर भी बेबी को फीड करवा सकती है, ठीक है। बेबी के हेड को स्लाइटली सपोर्ट करके ऊपर की तरफ रखना चाहिए उसकी बॉडी से, ठीक है, और सेमी सिटिंग पोजिशन पर बिठा कर उसके हेड को ब्रेस्ट के करीब लाना चाहिए, ठीक है। और जो बेबी है उसके चिक को निप्पल के
पल्स उसके बेबी के मुंह में नहीं होनी चाहिए, एरियोला भी उसके होना चाहिए, एरियोला का कुछ पार्ट भी, ठीक है। और जो एरियोला होता है वो अपर साइड, एरियोला होता है निपल के अपर साइड विजिबल होना चाहिए, और जो लोअर साइड होता है वो इनविजिबल होना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर जो बच्चा है वो प्रॉपर निपल सर कर सके, ठीक है। और ब्रेस्ट कम्प्लीटली अगर भरे हुए हों तो बेबी की नोज नोज भी इसमें नोज को वो बंद कर सकते हैं, ठीक है। एक तरह से तो फीडिंग करवाते समय नोज के पास वाला ब्रेस्ट का हिस्से को हाथ से मदर को हाथ से प्रेस करके रखना चाहिए, ठीक है। और एक समय में दोनों ब्रेस्ट से फीडिंग करवानी चाहिए, और ठीक है। और प्रत्येक जो एवरी ब्रेस्ट है उसको कम्प्लीटली एम्प्टी होने तक ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बेबी को अगर बेबी स्लीपिंग में चला जाता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, तो उसको पिकिंग करके उसको जगाना चाहिए बीच में, ठीक है। और उसके बाद में उसको, तो ये हो गया हमारा टेक्निक्स। उसके बाद में डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज क्या क्या आती हैं ब्रेस्ट फीडिंग में, तो ड्यू टू मदर, मदर की वजह से क्या क्या डिफिकल्टी आता है। डिसलाइक टू मदर टू ब्रेस्ट फीडिंग, मदर अगर डिसलाइक है ब्रेस्ट फीडिंग में, ठीक है। और द पुअर अटैचमेंट ऑफ इन्फेंट टू द ब्रेस्ट, पुअर अटैचमेंट है मदर का फिटस के साथ में, ठीक है। या फिर उसको एंजाइटी है, स्ट्रेस है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, इनएडिकेट मिल्क सिक्रीशन है, ठीक है, डिले फॉलोइंग ऑपरेटिव डिलीवरी है, ठीक है। और ब्रेस्ट अलाइनमेंट है, ठीक है, जैसे ब्रेस्ट एनकोजमेंट है, क्रैक्ट है, क्रैक्ट निपल है, ब्रेस्ट निपल है, तो इस कंडीशन में, ठीक है। और दूसरा है ड्यू टू इन्फेंट, इन्फेंट की वजह से क्या क्या डिफिकल्टी हो सकती है, तो लो बर्थ वेट बेबीज हो सकते हैं, तो जिनको ब्रेस्ट फीडिंग करने में दिक्कत आती है। और ओवर डिस्टेंस ऑफ स्टोमक ड्यू टू स्वालिंग स्वालिंग ऑफ एयर, ठीक है। थर्ड होता है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, जैसे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। या फिर इलनेस ऑफ बेबी हो सकता है, कोई दूसरी बीमारी हो बच्चे को, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो, या फिर ओरल थ्रस या लिथार्जी हो बच्चा, ठीक है। उसके बाद में कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या क्या हो सकते हैं, किन किन कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी चाहिए, तो एच आई वी पॉजिटिव मदर, ठीक है, ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट, मास्टाइटिस, हेपेटाइटिस, ठीक है, और मास्टेक्टोमी, और या फिर ओरल सर्जरी ऑफ इन्फेंट, या फिर इन्फेक्शन ऑफ माउथ ऑफ इन्फेंट, तो इन कंडीशन में जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। तो ये हमारी होगी ब्रेस्ट फीडिंग।
जाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें वैक्सीन बनाए जाते हैं। जब उन्हें बेबी में इंजेक्ट किया जाता है तो ये जो एक्टिव जो प्रतिरोधक क्षमता है वो उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जो कि जो लाइव वैक्सीन होते हैं उनसे ज़्यादा सेफ होती है किड वैक्सीन, लेकिन इफेक्टिव कम होती है उनसे, ठीक है। तो इन्हें पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन हेतु 2 to 3 डोज दी जाती है किड वैक्सीन की, ठीक है, जैसे कि पर्टुसिस और कोलेरा, ये किड वैक्सीन के एग्जाम्पल है। उसके बाद में टॉक्सॉइड, तो टॉक्सॉइड में ऐसी वैक्सीन होती है जो वायरस के द्वारा प्रोड्यूस टॉक्सिन होते हैं उनको डिटॉक्सिकेट करती हैं, ठीक है, जैसे कि डिफ्थीरिया और टिटनेस। उसके बाद में कंबाइंड वैक्सीन, तो कंबाइंड वैक्सीन में क्या होता है कि ये एक ही वैक्सीन में एक से अधिक जो प्रतिरोधक एजेंट होते हैं वो शामिल किए जाते हैं, जैसे कि जिसकी वजह से इनको कंबाइंड वैक्सीन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल DPT, ठीक है, DT, MMR, तो इनमें दो या तीन जो एजेंट है वो शामिल है, जैसे DPT में डिप्थीरिया पर्टुसिस 3 है, DT में डिप्थीरिया एंड टिटनेस है, MMR में मम्स मीजल्स रूबेला है।